हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे दलिया उपमा, जो बनाने में बहुत सरल है, टेस्टी भी है और फाइबर से भरपूर है। और बच्चों को नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बड़ा तेल और 1/2 कटोरी 50 ग्राम जितना गेहूं का दलिया है। ये लहसुन, खारी सिंग, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता लिया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है। अब हमने गैस की आंच शुरू की। इसमें तेल में हमने डाल दिया है ये गेहूं का दलिया जो बारीक वाला है। इसको हम धीमी आंच पर भूनेंगे। देखिए, ये इसमें थोड़ी थोड़ी वाइटनेस आ जाए तब तक इसे भुनना है। और अब हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन, करी पत्ता और अदरक डालेंगे और थोड़ी देर भुनेंगे सबको। बाद में हम डालेंगे खारी सिंग और जितना हमने दलिया लिया है उतने उनसे डबल पानी लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इसकी आंच हम धीमी ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक गरम मसाला पाउडर और 1 पिंच हल्दी डालेंगे। इसमें आप गुड़ या चीनी डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। ये नाप हमने 2 लोगों के लिए बनाया है। और लास्ट में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी और अब ढक्कन बंद करके हम इनकी 2 विसल लगाएंगे कुकर की। दस मिनट के बाद हम देखते हैं कुकर का ढक्कन खोल के, देखिए कि हमारा दलिया कितना अच्छा बन गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और डाइट में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें समय भी बहुत कम लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए कितनी अच्छी दलिया की उपमा बनी है। आइए, खाने के लिए तैयार हो जाइए। गुड बाय।